मेमन का कोई 150 से ज्यादा तोला सोना लेकर ये रफू चक्कर हुए हैं। ना सिर्फ ये असलम मेमन बल्कि इसके अलावा दीगर भी अब कंप्लेनेंट सामने आते जा रहे हैं जिनका ताल्लुक सक्कर, रोड़ी, पनवाकल, शिकारपुर, घोटकी, कंदकोट, कश्मोर, ठुल और रानीपुर के अलावा दीगर शहरों से, जो कि सक्कर के थाना बी सेक्शन पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए वक्तन फवक्तन आ रहे हैं। यह है वो अर्की लेबॉर्टरी जहाँ पर सोना मुख्तलिफ दुकानदारों से लेकर रिफाइन करवाने के लिए लाया जाता था और इनके जो मालकान हैं अब वो फरार हो चुके हैं। पुलिस की बड़ी ताकत है, सक्कर के दर का एक बहुत बड़ा फ्रॉड केस सामने आया है जिसमें जो अर्शी लेबॉर्टरी के मालकान हैं वो मुख्तलिफ ताजरों से, सोने के व्यापारियों से, ताजरों से सोना लेकर रिफाइन कराने के चक्कर में लेकर गायब हो चुके हैं। लेबॉर्टरी को बंद कर दिया है और इस वक्त जो मुख्तलिफ शहरों से आने वाले ताजर हैं, खासतौर पर जो सक्कर के ताजर हैं, वो अपनी जमा पूंजी से करोड़ों रुपये मालियत के सोने से महरूम हो चुके हैं। यही जानने के लिए बात करते हैं SHO थाना बी सेक्शन मंसूर अत्तार से। मंसूर साहब बताइएगा, अब तक कितनी कंप्लेंट्स आपके पास मौसूल हुई हैं, कितनी मालियत बताई जा रही है और जो अर्शी लेबॉर्टरी के जो मालकान हैं उनकी अब एग्जिट पोजीशन क्या है? ये पहले तो अपना असलम नाम मेमन, असलम मेमन है, उसने बताया कि मेरा तकरीबन ये लेबॉर्टरी थी इनकी, वो रिफाइनरी के लिए जैसे वो गोल्ड देते हैं अपना कि भाई वो उसको उसमें फेट अलग करो और अपना जो होता है लेबॉर्टरी का सिस्टम इनका, उनको 1.5 किलो या 100 तोला 200 तोला उनको दे देते हैं कि रिफाइनरी करके ये लेबॉर्टरी में इनका पुराना ये जो खलील और अपना ये जो फैसल है इनका लेबॉर्टरी पुराना 10-15 साल से ये काम चला रहे हैं और ये इवन इस मार्केट सराफा बाज़ार का ये जो है अपना कोई अहदेदार भी है इसमें मार्केट में। तो अब इसने अपना जो असलम नामी मेहमान है इसने बोला मैंने सही वो कल इनको 160 तोला सोना दिया रिफाइनरी के लिए। कल जब मुझे इसने आगे पीछे वाली बातें की और घुमाया फिर मुझे डाउट हुआ कि भाई हो सकता है इसमें कोई ये चक्कर चला रहा है, मुझे अगले पीछे बातें करा है 2 बजे आना 1 बजे आना। जब मैं 3 बजे पहुंचा तो ये नौकर बैठे थे, मालिक रफू दफा हो गया, 160 तोला मेरा लेके रिफाइनरी के लिए जो इसने दिया था। उसके बाद दूसरी मुझे इतला मिला अपना हाजी हारून साहब का बेटा है, उसने इतला दिया कि भाई ये मसला हुआ है तकरीबन ये इफ्तारी के टाइम में 6:30 बजे का टाइम था, 6:20 का मैं जैसे वहाँ पे गया तो नौकर बैठे थे, वो जो खलील और फैसल वो उनका कोई प्री प्लान था या क्या था मसला, वो पहले ही निकल चुके थे। फिर जब वो अपना इफ्तारी के बाद इफ्तारी वाले टाइम में हमने वो उनका लोकेशन लिया तो वो उस टाइम तकरीबन वो उबाड़ो भी क्रॉस था 1.5-2 घंटा पहले पंजाब की तरफ। फिर उसके बाद लोकेशन ली वो मालकान ने, एक बंदे ने वो आतिफ नामी उस वो भी कंप्लेन लेके आया, उसकी FIR उसने FIR करवाई है जो क्राइम नंबर 40/2024 वो FIR हो गए 406 की। कितने कंप्लेंट है तकरीबन? कुछ अभी तो ये आपके सामने आ गए ठोल वाले और रानीपुर वाले कि भाई ये हमने सोना इनको देते थे रिफाइनरी के लिए, पुराना तालुका था वास्ते की वजह से इनका दुकान था, वो अपना इनकी मार्केट का मसला है, आपस में एक दूसरे को देना लेना इनका होता है, कैश देते हैं, सोना देते हैं, उधार आपस में करते हैं इनका आपस में, वो इनका पुराना ये सराफा बाज़ार पुराना दुकान है इसका खलील का और यहाँ का ही बेसिक वो है खलील भाई, जो वो जो फैसल है वो इसका पार्टनर था खलील का, वो पंजाब का बताया जा रहा है कि पंजाब, वो भी इधर 10-15 साल से इधर है इसका खलील के साथ अपना, लेकिन खलील बेसिक इधर का है, अभी उनका कोई अता पता इधर तो नहीं है, सारे वो फ्लैट वगैरह जो कारोबार है वो अपना बंद करके वो निकल रफू दफा हो गए हैं यहाँ से। मैं अभी हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे उनके पास, अभी वो ले रहे हैं SP साहब भी इसमें, हम हमारी सारी टीम और अपना सराफाबाद अभी मीटिंग है इनसे कि अपना हम उधर पहुँच जाए इनके पास इंशाल्लाह आ जाएंगे कानून की गिरफ्त में। ठीक है, जल्दी। अच्छा तो ये फैसल और शकील थे,
जो कि गुज़िश्ता फैसल और खलील थे, जो कि गुज़िश्ता कई सालों से शक्कर के सराफा बाजार में अर्शी लेबॉरेटरी के तहत जो गोल्ड है उसको रिफाइन करने का कारोबार। असलम मेमन का कोई 150 से ज्यादा तोला सोना लेकर ये रफू चक्कर हुए हैं। ना सिर्फ ये असलम मेमन बल्कि इसके अलावा दीगर भी अब कंप्लेनेंट सामने आते जा रहे हैं जिनका ताल्लुक शक्कर, रोड़ी, पनवाकिल, शिकारपुर, घोटकी, कंदकोट, कश्मोर, ठुल और रानीपुर के अलावा दीगर शहरों से, जो कि शक्कर के थाना बी सेक्शन पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए वक्तन फवक्तन आ रहे हैं। पुलिस जो है वो मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जो लास्ट लोकेशन इस वक्त ट्रेस की गई है वो बताया जा रहा है कि वो पंजाब के हदूद में दाखिल हो गए हैं। तो पंजाब में गिरफ्तारी के लिए होम डिपार्टमेंट से इजाजत ली जाएगी जिसके बाद कार्रवाई करने का फैसला किया जाएगा। लेकिन अब तक जो मौजूद होने वाली शिकायत है उनकी तादाद तकरीबन 15 से ज्यादा है और जो सोना है वो तकरीबन 200 से ज्यादा तोले बताया जा रहा है जिसकी मालियत इस वक्त 6 से 7 करोड़, जो सोने की मालियत बताई जा रही है तकरीबन 6 से 7 करोड़ बताई जा रही है, लेकिन इसमें इजाफे का इम्कान भी है।